अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम दोपहर से ब्लॉग बनाना शुरू किया है, स्टार्ट किया है। तो हम बना रहे हैं मटर की मसालेदार घुघरी बनाएंगे और सब्ज़ी बनाएंगे। तो दोपहर में हम मटर की घुघरी बना रहे हैं, तो उसके लिए हम प्याज कट कर रहे हैं और मटर को हमने धो करके रख दिया है। तो दो बड़ी साइज़ का हमने प्याज लिया है और इसे बारीक कट कर लेंगे। प्याज को छील कर हमने धो लिया है, फिर इसे हम बारीक कट कर लेंगे। और मटर पापा ने छील कर रख दिया था, ढेर सारी मटर रखी थी, तो हमने सोचा लाओ बना ले, नहीं तो फिर रखे रखे ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम मटर की घुघरी बना ले रहे हैं और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं इसको। तो हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे मीडियम आंच पे गरम होने के लिए। और तीन चार हमने हरी मिर्च भी कट कर लिया है और दो टमाटर मीडियम साइज़ का कट कर लेंगे बारीक। तो फ्रेंड्स, टमाटर भी हमारे कट ही हो गए हैं और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो पैन गरम हो गया है कढ़ाई, तो इसमें दो बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे और ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज और हरी मिर्च कट करें हैं जो उसको हम लाल करेंगे उसको। तो प्याज हमारा गरम हो गया है तो हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, क्योंकि जीरा चटकने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे। दो बड़ी साइज जो प्याज कट कर रखे थे और हरी मिर्च, इन सभी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें हम मटर धुला हुआ जो रखे थे उसको डाल देंगे, अच्छे से भूनेंगे और इसमें कुछ स्पाइसी मसाले डालेंगे चटपटे। तो इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1/4 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो इन सभी को हम अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। इससे बहुत ही मज़े की चटपटी हमारी मटर की घुघरी बनेगी, हल्के मसाले में चटपटी एकदम। तो अब हम इसमें टमाटर जो कट करके, पहले हम इसको बंद करके रख देंगे थोड़ी देर ढक करके, पकने देंगे। और टमाटर हमने कट कर लिया, हरी धनिया भी कट कर लेंगे। तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और अच्छे से इनको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करके थोड़ी देर हमने बंद कर दिया और टमाटर सॉफ्ट हो गया, तो इसमें हम हरी धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा हरी मटर चटपटी रेडी हो गई। तो अब हम चाय के साथ चलते हैं। चाय हमारी ये देखिए बन गई है और सब्ज़ी भी हमने कट कर लिया है। तो अब शाम हो गई है फ्रेंड, तो हम चाय बना रहे हैं। चलते हैं पहले सबको साथ चाय दे दें, फिर उसके बाद सब्जी बनाएंगे। काम करते करते टाइम भी।
चौथाई चम्मच। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे आधा कप के तकरीबन, ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से पक जाएं। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे और बंद करके थोड़ी देर मसाला पकने देंगे। तब तक हम टमाटर काट ले रहे हैं सब्ज़ी में डालने के लिए। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। और मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें मटर डाल देंगे और अच्छे से भून देंगे। और फिर सारी सब्जियां कटी हुई धुल कर रखे थे उसको भी इसमें डाल देंगे। और अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर देंगे और भून लेंगे मीडियम आंच पे। सारी सब्ज़ी भी मसाले के साथ भुन जाएगी तो बहुत सौंधी सौंधी महक आती है और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्टी हो जाता है एकदम। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हमने आधा कप से कम पानी डाला है, दो छोटे चम्मच के तकरीबन, क्योंकि पत्ता गोभी पानी छोड़ता है। तो दो सीटी आने तक इसको हम पका लेंगे। और देखिए दो सीटी आ गई है, तो ये देखिए हमने, ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बन गई है। और थोड़ा सा हम पानी इसका सुखा लेंगे तेज आंच करके। और अच्छे से भून लेंगे, भुनी भुनी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और इसमें हम थोड़ा सा हरी धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है और भुनी भुनी सी हल्के मसाले में सब्ज़ी पत्ता गोभी और आलू की बनकर रेडी है। तो चलते हैं बच्चों को, ये दे दे रहे हैं। हमने तल दिया पापा, बच्चे खा लेंगे, इसे चले इनको दे दें। टीवी देख रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, विंटर की छुट्टी मिली है तो खेल नहीं सकता, टाइम पास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का व्लॉग है और सुबह हम झड़ाई करके झाड़ू लगा रहे हैं। झड़ाई हमने कर लिया था और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करना है, तो हम झाड़ू लगा रहे थे। सुबह उठो तो फिर पूरा काम पड़ा रहता है, फिर नाश्ता भी बनाना, झाड़ू पोछा, सब खाना भी बनाना, सब इकट्ठा हो जाता है सारा काम। तो पहले हम झड़ाई करके झाड़ू लगा लें तो फिर उसके बाद फिर काम हल्का हो जाता है, झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर काम हल्का हो जाता है। और खाना बनाने तो सारा काम हो गया है, आयजा मेरा हेल्प और नाश्ता भी बन गया है। और इसको ब्रेसलेट तोड़ दिया तुमने, टूटा कल। चलो कोई बात नहीं, बाद में भी सही कर देंगे, रख दो इसको। चलो चलो दोनों लोग खाना बनाया जाए। मुझे नहीं जाना। नहीं चलोगी? नहीं। हेल्प नहीं करोगी मामा का? नहीं करोगी? मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ। तो चलो चल चलो। तो आज बनाना है गाजर का हलवा और खाना हमने बना लिया है फ्रेंड्स, और अब चलते हैं गाजर का हलवा बनाने। मैंने और हस्बैंड ने, दोनों लोगों ने मिल करके कद्दूकस कर लिया है गाजर को, तो अब चलते हैं उसको पकाने।
तो इसकी हम भुनाई कर लिए हैं और अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो जितना गाजर उतना हम चीनी भी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए भुनेंगे। तो अच्छे से ये पक रहा है और अब इसमें एक चम्मच भरकर देसी घी डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। और खोया भून कर डालेंगे। तो इसलिए हम खोया को पहले भून लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स खोया भी भून गया अच्छे से और अब इसको ये देखिए अच्छे से ये भून गया है हमारा गाजर भी। और अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे जो कूट कर रखे हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इलायची पाउडर डालने से। अब इसमें खोया डाल देंगे और इलायची पाउडर डालने के बाद हम अच्छे से चलाकर भून लिए थे इसको और दो चार बार चम्मच चलाकर। और इसमें अब हम जो भून कर रखे हैं खोया उसको भी इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। और ये बहुत ही लजीज हमारा डिलीशियस जितना इसकी तारीफ करें कम है बहुत ही मज़े की एकदम हलवाई स्टाइल में हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी है। और ये देखिए एकदम खोए वाला मेवा वाला एकदम बहुत ही मज़े की हमारी एकदम देसी घी पड़ा हुआ है बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है एकदम इलायची खुशबू आ रही है बहुत ही टेस्टी। और हमारा ये डिलीशियस बनकर रेडी है। और इसमें हम कुछ मेवा काजू और बादाम कट करके रखे हैं इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और ये रहा हमारा हलवाई स्टाइल बहुत ही मज़े की गाजर का हलवा। और ठंडी का मौसम है गाजर भी बहुत प्यारी ताज़ी ताज़ी एकदम आ रही है। तो इसी तरह से आप लोग भी बनाइए बहुत ठंडी के मौसम में बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौसम में अच्छा लगता है ये ठंडी के मौसम में तो इसका मज़ा ही अलग रहता है। एकदम ताज़ी गाजर आती है तो उसका हलवा भी अच्छा लगता है और ऐसे खाने में भी अच्छा लगता है। ये हमारा लजीज हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनकर रेडी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मूली देखिए इसके दो पैर हैं इतनी बड़ी बड़ी सी मूली है और पत्ते माशाल्लाह कितने बड़े बड़े से हैं और इसके दो पैर मूली के पैर देखिए दो पैर हैं। तो इसका सलाद भी हमने रेडी कर लिया है और खाना सबको निकाल दे रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम कमरे में आ गए सबको खाना पानी खिला कर सब काम करके फिर भाग गई। तो फ्रेंड्स हमारा ये रहा आज का ब्लॉग। अगर आज का ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।